हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल का फीचर बताने वाला हूं। इस फीचर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था जब वन यू आई 3.1 एंड्रॉयड 11 का रिव्यू वीडियो बना रहा था, तो उसी टाइम मैंने इस फीचर के बारे में बता दिया था। बट गाइस, यहाँ पर कुछ बग्स थे जिसके कारण से वन यू आई 3.1 एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद सही से काम नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पर न्यू FOD अपडेट आया था सैमसंग गलेक्सी A50 में, तब से ये फीचर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर चलना है, यहाँ पर कॉल में आने के बाद थ्री डॉट में आपको यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिलता है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कॉल बैकग्राउंड, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट कर लेना है। सिम सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको लेआउट देखने को मिलता है। लेआउट में आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसा आप लोग लेआउट रखना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो दिया जाता है, ये एक ही वीडियो देखने को मिला है वन यू आई 3.1 एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद सैमसंग गलेक्सी A50 में कॉल बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ एक ही वीडियो। उसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पर इमोजी लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको चलना है प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पर आप लोग गैलरी से वीडियो लगा सकते हैं, अपना फेवरेट वीडियो या फिर अपना फेवरेट वॉलपेपर जो है वो लगा सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर क्रिएट यूजिंग AR इमोजी आपको देखने को मिलता है। इस पर मैं जब टैप करता था, ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट इमोजी तो आ जाता था, ठीक है, सेलेक्ट इमोजी आ जाता था। उसके बाद अगर मैं इस पर टैप करता था किसी इमोजी पर, तो क्या होता था कि ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाता था, ये जो है ना ये नहीं आता था, ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाता था, फिर से ये वाला ऑप्शन आ जाता था, फिर से मैं टैप करता था तो फिर ऐसे बंद हो जाता था, फिर इस पर टैप करता था फिर ऐसे बंद हो जाता था। तो ये बग्स आपको देखने को मिला था वन यू आई 3.1 एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद। बट यहाँ पर न्यू A40 अपडेट आया तब से ये अच्छे से काम कर रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैंने AR जोन से बना कर रखा है अपना इमोजी कुछ इस तरह का, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। AR जोन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कैसे बनता है आपका इमोजी, आप लोग वो देख कर वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, अगर आप लोग इस स्टिकर पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद इस पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस बहुत सारे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके लगा सकते हैं अपने कॉल बैकग्राउंड पर। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, ठीक है। जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आएगा तो आपको ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सिम एक से किसी दूसरे नंबर पर कॉल करते हैं, आउटगोइंग कॉल करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। अगर इनकमिंग कॉल आता है तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर आपने सिर्फ सिम वन पे लगा कर रखा है, सिम टू पे लगा कर नहीं रखा है, तो सिम टू पे आपको वही पुराना डिफ़ॉल्ट वीडियोस आएगा। बट अगर आप सिम वन पे सिर्फ लगा कर रखें तो सिम वन पे कॉल आएगा, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ये बग्स जो है फिक्स कर दिया गया है न्यू F40A अपडेट के बाद सैमसंग गलेक्सी A50। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजिंग वीडियो साउंड एज रिंगटोन, तो वीडियो के साथ जो रिंगटोन आता है वो आप लोग लगाना चाहते हैं या फिर आप लोग अपना कोई पसंदीदा म्यूज़िक या फिर रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अगर लगाना चाहते हैं अपना पसंद का तो इसको सेलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं लगाना, आप लोग चाहते हैं कि इसके साथ जो म्यूज़िक आया वो लगाऊं, तो आपको यहाँ पर ऐसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करके सेट एज बैकग्राउंड पर लगा देना है। इसको लगाने के बाद आप जब भी कॉल करेंगे किसी को, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं मैं आउटगोइंग कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड जो है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। इनकमिंग कॉल आएगा तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद नहीं फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। दिस इज द फ्यूचर, ह्यूमन एरर। This is the future.